राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई सुबह के बजने वाले हैं 9 और तारीख भी है भाई आज 9/10/2023 और दिन है भाई, दिन है शुक्रवार। ठीक है, सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भाई है, वो बोलते हैं भाई तारीख वगैरह भी बताया करो, तो हमने कहा चलो दिन वगैरह भी बता दें। अब आपको दिखाते हैं अपना डिस्प्ले भाई, उसमें टाइम भी मेंशन है, रीडिंग भी मेंशन है, जीरो करके चले हैं, सीएनजी वगैरह कुछ इस हिसाब किताब की है, जो कि बहुत कम है भाई। लेकिन अभी कोई बात नहीं, आज तो हम काम कर नहीं रहे हैं कुछ हमारा काम है। हालांकि सुबह बुकिंग आई थी उबर में, लखनऊ जाना था यूनिवर्सिटी, तो भाई उनसे बात हुई तो बोले ठीक है आ जाओ। अब पिकअप था कल्याणपुर का, हमारे यहाँ पड़ता है 7 किलोमीटर, हमने बोला भैया 10 मिनट लगेगी, उनको थी जल्दी, उन्होंने बोला भैया नहीं हमें तो जल्दी है, कैंसिल कर दीजिए। मैंने भैया हम तो आने के लिए बोल रहे हैं लेकिन आप मना कर रहे हो, आप कैंसिल कीजिए। फिर उन्होंने कैंसिल की, उसके बाद कोई राइड आई नहीं, तो हमने चलो अपना काम ही कर लेते हैं, 9 बजे घर से निकले, अपना जो काम होगा वो 10-11 बजे से शुरू होगा। तो अभी जहाँ जाना है वहाँ जा रहे हैं, वेट कर रहा है कोई छोटी बुकिंग मिल जाए यार, मतलब बर्रा साइड में जाना है तो उधर पहुंच भी जाएंगे और एक राइड भी हो जाएगी। हालांकि अभी कोई लोकल की बजी नहीं है, इंटरसिटी बजी थी और ओला की हमने बंद कर रखी भाई, क्योंकि काम बहुत दिनों से पेंडिंग है बैंक के, तो आज सारे काम निपटा लेते हैं ताकि गाड़ी चलाने में मजा आएगा, नहीं तो एक टेंशन बनी रही थी यार कि वो काम वहां पे लटका हुआ, वहां पे लटका हुआ, ऐसा वैसा है। कल के बता दे भाई, कल की अर्निंग हमारी हुई थी 3000 रुपये लगभग, 7,250 और 2000 रुपये बचत थी। गाड़ी हमारी चली थी 250 किलोमीटर अप डाउन, हमारे घर से हमारे घर तक। तो अभी क्या यहाँ से सीधा उतरते हैं मैनावती मार्ग के लिए, मैनावती मार्ग से फिर जो है अपना निकल चलेंगे गुरुदेव बर्रा, गुरुदेव होते हुए बर्रा के साइड में। अगर कोई राइड नहीं आई तो राइड आ गई, फिर राइड लेके फिर निकलेंगे, इसीलिए घर से पहले निकले हैं। वैसे निकलते 9:30 बजे, लेकिन 9 बजे ही निकल लिया हूँ ताकि आधा घंटा हमारे पास टाइम रहेगा, अगर कोई राइड आती है तो उसे भी मैं पूरी कर लूंगा, 100-200 की बोनी हो जाएगी हमारी सुबह सुबह की। उसके बाद अगर काम से जल्दी फ्री हो गए भाई तो ओला उबर चलाएंगे, अगर काम से फ्री ना हुए तो अपना काम निपटाते रहेंगे। तो ठीक है, देर न करते हुए चलते अपने मंजिल की तरफ, कोई राइड आती है तो बताते फिर आपको कुछ अर्निंग करने के बाद। हाँ तो भैया बता दें, फाइनली सारा दिन इतना बिजी रहे भाई कि टाइम ही नहीं मिल पाया वीडियो शूट करने का। और इस समय हम आर नगर में ये अपना बॉम्बे नमकीन पड़ता है वो सामने दुकान है, और हम खड़े इसलिए हैं भाई कि हमारा काम सारा हो चुका था, जो भी काम था हमारा पेंडिंग काफी कुछ हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो अगले दिन के लिए। तो भाई अभी हम यहाँ पे खड़े क्योंकि हमारे पास एक आ गई थी 1 घंटे की रेंटल ओला में, तो हमने कहा चलो ये भी काम कर लेते हैं यार, और इनसे बात किया था तो इनको इंदिरा नगर में ड्रॉप करना है, इनको यहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी है, इसका सीधा इंदिरा नगर के लिए निकल जाएंगे, इंदिरा नगर ड्रॉप करके फिर सीधा घर निकल जाएंगे। तो हमने कहा चलो ये तो मतलब की बुकिंग, हमें तो घर वैसे भी खाली जाना है यहाँ हर्षनगर से। तो भाई म्यूजिक तो अपना बन चुका है, देखो ये है रहा म्यूजिक भाई, ये बड़ा तो कुछ इस तरह का भाई म्यूजिक, यहाँ गली में जो है गाड़ी खड़ी करना बड़ी मुश्किल है भाई। म्यूजिक प्लेयर अपना बन चुका है, इसकी आवाज कर देते हैं धीमे, नहीं तो हो जाएगी भाई प्रॉब्लम। क्या है ना कि इसमें फिर जो है यूट्यूब वाले प्रॉब्लम करते हैं। तो भाई अब सारा काम कर चुके हैं, अब मैडम भी आ रही पीछे से, इनको कुछ शॉपिंग वगैरह यहाँ करनी थी, आ चुकी हैं, तो ठीक है इनको बिठाते हैं निकलते हैं, फिर उसके वीडियो उसके बाद में शूट होगा भाई। तो भाइयों फाइनली मैडम को छोड़ दिया है, पेशे से एक डॉक्टर थी भाई, और बोल रहे भैया बिल 200 दिखा रहा था 313 कैसे आ गया। हमने मैडम हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है, हमारे हाथ में हो तो हम 313 थोड़ी बनाए, हम तो सीधा 10-5 हजार रुपए छाप दें एक ही साथ में, आप पेमेंट कीजिए, दूसरी राइड हमें करनी नहीं है, एक ही राइड में हम इतना कमा ले। तो हंसने लगी यार, हमने बोला मैडम देखो हमारे हाथ में नहीं होता है, हाँ अगर जब हम गाड़ी दूसरे रास्ते से लाते, गाड़ी घुमा के लाते तो बिल आपका बढ़ जाता क्योंकि गाड़ी ज्यादा चलती। अब जो लोकेशन दिखा रहा था उसी के हिसाब से, हमारे गूगल मैप के हिसाब से इंदिरा नगर आना था, कहीं दूर जाना नहीं था, रास्ता आप भी जानती हैं, समझाया तो मान गई, बोले भैया महंगा पड़ गया। अब देखो डॉक्टर होके यार इन लोग जो है इतना पैसा ये लोग जोड़ते हैं यार, कसम से क्या बताए इनको जो है। तो कुल मिला के भाई
आज हमारा टोटल काम दो उबर में किया राइट, एक किया है ओला में, टोटल राइड किए तीन। तो बस सीएनजी भरा कमा लिया है गाड़ी में, जो सीएनजी पड़नी है बस उतना ही कमाया होगा भाई। अब हम जा रहे हैं बाहर, ये ड्यूमिनिटी है अपार्टमेंट, रतन ऑर्बिट के पास में ही पड़ता है ये, और लास्ट राइड थी भाई ये हमारी। अब यहाँ से क्या है, सीधा जाएंगे घर की तरफ। ये बंगले भी बने हुए हैं भाई, और जो क्या कहते हैं अपार्टमेंट भी बना हुआ है। अच्छा इनका हिसाब किताब, ये रहा इनका मेन गेट, यहाँ निकलते हैं भाई बाहर फटाक से, और भाई यू टर्न कहीं है कि नहीं है, मैं लग रहा आगे से ही घुमा के लाना पड़ेगा भाई, रॉन्ग जाना सही है, रॉन्ग तो भाई नहीं जा सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब आगे से यू टर्न मार के लाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, तो भाई आज आपने देखा कि हमारे काम तो प्राइवेट वाले कुछ निपट गए हैं, और कुछ बचे हुए हैं दूसरे दिन के लिए, क्योंकि हम तो चाह रहे थे आज ही सारे काम निपट जाएं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो अपने बस में नहीं होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं, फिर भी आधे से ज़्यादा हमारा काम निपट चुका है, और अब हम थोड़ा सा फ्री हो गए हैं भाई। क्या है ना, गाड़ी नहीं चला पा रहे थे भाई, इतने ज़रूरी ज़रूरी काम थे, तो अभी निपट गए हैं, तो अब थोड़ा सा जो है हमको राहत मिल जाएगी। कल से हो सकता है प्रॉपर हमारे वीडियो आए अर्निंग के बारे में, एक दो दिन से वीडियो सही ढंग से नहीं बन पा रहे, हालांकि देखो कल हम गए थे लखनऊ, कल का बनाया था, आज भी लखनऊ की आई थी, ओला में फिर आई थी, लेकिन वो बस वही है कि आती भाई तो हम काम करते, हम जाते शाम को, हमारा काम हो चुका था, राइड आती फिर जाते, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गई, और ऋषि है अपने, उनकी राइड आ गई थी भाई ओला की, तो वो लेके अपना निकल गए, हमारे पास फर्जी आई थी, उनके पास रियल आई थी, तो यही है किस्मत, किस्मत की बात है भाई, उसकी किस्मत हमारे किस्मत से ज़्यादा जोरदार थी, तो उसके में फर्जी नहीं बजी, हमारे में फर्जी बजी। कोई बात नहीं, कल का पूरा दिन पड़ा है, कल तुम्हारा भाई कस के मेहनत करेगा और ढेर सारा पैसा कमाएगा। तो आज गाड़ी हमारी देख सकते हो भाई, गाड़ी चली है टोटल 65 किलोमीटर सुबह से अभी तक, और समय देख लो भाई 8:28। ये भाई इंदिरा नगर का हमारा इतना रोड है यार, पता नहीं क्यों ये टुकड़ा किस विवाद में पड़ा हुआ है भाई, मुश्किल से 100 मीटर का होगा भाई, लेकिन ये कभी नहीं बना, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, सारी रोडें बनी हुई हैं, यहाँ तक कि पूर्व क्या कहते हैं हाँ राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हमारे कानपुर के जो थे श्री गोविंद जी, उनका भी बंगला यहीं पे आगे पड़ता है, एक गेस्ट हाउस है अपना, और तब भी नहीं बन पाया, हालांकि अब तो वो नहीं है, नहीं है के मतलब है कि वो अब पद पे नहीं है, तो अब तो राष्ट्रपति मुर्मू है भाई अपने देश की। तो ठीक है भाई, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, ओके बाय।